एनिमेशन करना है, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर रन करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी मशीन है, जिसमें प्रोसेसर हमने यूज किया है इंटेल का i7-13700K के, जो कि 16 कोर 24 थ्रेड के साथ में प्रोसेसर आता है। ये रेंज में बहुत बेस्ट प्रोसेसर है ये। इसमें हमने मदरबोर्ड यूज किया है Z790UD। एक डेस्कटॉप का कोटेशन चाहिए, क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है इसका? कोटेशन लिया था कुछ 49600 हो रहा है, तो हम लोग i5 13 जनरेशन पूछ रहे थे, तो हम लोग को 50 के आसपास जा रहा है। हम लोग ने अभी प्रीमियम कंप्यूटर्स करके वहाँ पे लिया था कोटेशन, वहाँ पे थोड़ा रेट ज़्यादा है, तो और एक दुकान देखते हैं। कोशिश कर रहे कि आप है ना ये वाला ले लो करके, तो हम लोग भी स्पीड देखा था रेट पे भी, जो अच्छा स्पीड इसका लग रहा है तो बारे में ठीक है। जिसका अराउंड बजट है 20-22 में, अगर बेसिक गेमिंग और एडिटिंग के लिए जिसको पीसी बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने ये स्पेक्स कॉन्फ़िगरेशन किया है, जिसमें आपका प्रोसेसर आता है, अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन दोनों अवेलेबल है आपको। अगर प्रोसेसर अपग्रेड करना है डिग्रेड करना है हो जाएगा, मदरबोर्ड अपग्रेड डिग्रेड करना है हो जाएगा, मतलब सब चीज़ कैबिनेट से लेकर हर एक चीज़ अगर आपको अपग्रेड करनी है डिग्रेड करनी है इसमें हो जाएगा। और इसमें जो हमने 7 का 5700X प्रोसेसर यूज़ किया है, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है ज़्यादा, वो 1 GB का B550MDS3H AC मदरबोर्ड यूज़ किया है इसमें हमने। और बात किया 3 PC बजट PC बिल्स के बारे में, 22 से लेकर 40, 40 से लेकर 65। तो ये वीडियो में बात करने वाले हैं 1 लाख 22, 1 लाख 25 इसका अगर बजट है, तो उसमें हम क्या क्या कंपोनेंट्स आपको बेस्ट दे सकते हैं। तो भैया के चैनल पर अगर कोई भी आया भाई का नाम लेकर, उसके लिए कोई भी आप एंट्री लेवल डेस्कटॉप या गेमिंग डेस्कटॉप उसमें कीबोर्ड माउस हम लोग फ्री देंगे, गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री देंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कहाँ है कि ग्रैंड रोटेशन आएगा, तो ग्रैंड रोटेशन क्यों आया है कि आज है ना एक बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए आए हम लोग। तो हम लोग है ना कैसे कि मस्त बढ़िया से एक पीसी बिल्ड करने के लिए आए। तो मेरे से मेरे दोस्तों बहुत जन पूछे कि भाई तेरा जो तू जो करता है ना वो कभी डालता नहीं करके, तो मैं ये वीडियो में वही बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसा है कि हार्डवेयर इंजीनियर, तो मैं ऐसा हार्डवेयर कंप्यूटर ऐसा बिल्ड करके देता हूँ। तो मेरा जीजाजी के लिए कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए आया हूँ, तो उनको है ना कुछ हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैंने उनको सजेशन किया था कि थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन अपन ग्रैंड रोड में परचेस करेंगे। तो वहाँ से क्या क्या मटेरियल लेने वाले वो सब चीज़ें वीडियो में आने वाला है। तो ये वीडियो आना कैसे आपके लिए भी एक सुपर मशीन बनाने का रहेगा, तो ये आपको एक गाइडेंस हो सकता है। तो इसमें मैं सब चीज़ बताऊँगा क्या चीज़ कैसा बिल्ड कैसा कर सकते हैं, कंप्यूटर एक पीसी बिल्ड करने के लिए कितना चार्ज होता है, और मैं लो से हाई तक आपको पूरा ये वीडियो में दिखाने वाला गाइस। और ये वीडियो है ना गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ आपके लिए, वो जिन मेरे को पूछते भाई कौन सा लैपटॉप लूँ कौन सा पीसी लूँ ऐसा करके पूछते, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, ब्रांडेड बेस्ट रहेगा कि असेंबल बेस्ट रहेगा करके, तो वो सब चीज़ है ना गाइस इसमें बोलने वाला। और गाइस ग्रैंड रोड जो है ना गाइस सब हार्डवेयर के लिए हब बोल सकते हैं, तो यहाँ से सब जहाँ पे आपको मटेरियल ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे छोटा छोटा दुकान रहेगा, लेकिन उनका जो गोडाउन में ना पूरा भर भर के माल रहता है गाइस। चलो तो आज हम लोग पूरा वो जो कंप्यूटर पार्ट्स है ना वही आपको दिखाने वाला गाइस। चलो वीडियो के अंदर जाते हैं गाइस। आपको ग्रैंड रोड आने के लिए ना गाइस आप कहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं, वेस्टर्न लाइन्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा, जो है ना गाइस आपको बोरीवली से लेके चर्चगेट का ट्रेन पे आ सकते हो। तो ये जो है ना गाइस चर्चगेट से है ना तीसरा स्टॉप में ग्रैंड रोड करके है, तो ग्रैंड रोड उतर के आपको है ना लेमन रोड पूछने का, तो लेमन रोड है ना गाइस बहुत नज़दीक में ही है ग्रैंड रोड से, आप चल के जा सकते हैं। तो हम लोग वाकपली जाने वाले, तो यहाँ पे ना गाइस बहुत सारा दुकान है, तो आप कोई भी दुकान में आप लोग सजेशन ले सकते हैं, उन लोग आपको कोटेशन देते हैं और रेट सब चीज़ बताते हैं। और मैं क्या बोलूँगा गाइस, आप 2-3 दुकान में इंक्वायरी करके फिर मशीन ले सकते हो गाइस। गाइस हम यार मार्केट आ गए, ये ना हो रहा यही मार्केट है, देखिए मैं इधर राइजन में हूं, मैं इंटेल में होते सब ये एमडी राइजन, यही दुकान में जा रहे पहले इंक्वायरी करते हैं इनके पास है ना, मैं देखा सीखे से बाहर रखा इनके इंक्वायरी करके फिर जाते हैं। अभी ना कोटेशन एक ले लेते हैं, तो उसके बाद उनसे बात करते हैं। एक डेस्कटॉप का कोटेशन चाहिए, क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन i5 का दे दो। अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है? 13 और आसुस का बोर्ड ग्राफिक कार्ड चाहिए। रैम कितना जीबी चाहिए? रैम 16 GB। ये कौन सा बोर्ड है आसुस का? 760 गेमिंग बोर्ड है क्या? हाँ। SSD 500 का ना? फोर रैम स्लॉट 516।
गाइस हम लोग अभी इसका कोटेशन लिया था कुछ 49600 हो रहा है, तो हम लोग i5 13 जनरेशन पूछ रहे थे, तो हम लोग को 50 के आसपास जा रहा है। अभी दूसरा एक दुकान में भी इंक्वायरी कर लेते हैं और इनका 600 रुपीज़ कुछ कम कर रहे थे। गाइस यहां पे पूछ के देखते हैं, बड़े कोटेशन कर देते हैं। ओके गाइस, हम लोग ने अभी प्रीमियम कंप्यूटर्स करके वहाँ पे लिया था कोटेशन, वहाँ पे थोड़ा रेट ज़्यादा है, तो और एक दुकान में देखते हैं। आसुस का चाहिए ना, मदरबोर्ड आसुस का चाहिए, मगर अच्छा से अच्छा ठीक है ना, अच्छा बोर्ड चाहिए। और उसमें अपना रैम है ना 8 GB का 2 चाहिए, और रैम बेस्ट वाला चाहिए, जरा वो ऐसा कवर वगैरह होता ना ग्राफिक कार्ड, हाँ, और SMPS भी अच्छा वाला चाहिए, 550 वोल्ट डाल देता हूँ। ठीक है सर, गाइस जी इनको है ना जो ये अपना एलईडी लेने का सोचे थे, लेकिन दुकान वाला जो भाई है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप है ना ये वाला ले लो करके, तो हम लोग भी स्पीड देखा था रेट पे भी, जो अच्छा स्पीड इसका लग रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं ये वाला ग्राफिक कार्ड ले करके, तो तुम्हारा ये वाला ले लेना।
मेरा बजट पीसी भी बना सकते हैं और हाई लेवल पीसी बना सकते हैं। तो भाई से अपन पूछते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में बजट पीसी और हाई कॉन्फ़िगरेशन में पीसी बनता है करके। चलो भाई से मिल रहे हैं। भाई से हाय भाई। हेलो गाइस, हमारा शॉप इन्फिनिटी गैजेट्स ग्रैंड रोड लेमिंगटन रोड में पड़ता है। हमारे यहाँ पर आपको पीसी शॉप में ए टू जेड मतलब आईटी एक्सेसरीज में जितने भी सामान मिलने वाले हैं, जैसे डेस्कटॉप की एक्सेसरीज हो गई, लैपटॉप हो गया, सब यहाँ पर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट पीसी बिल के बारे में, ठीक है, जिसका अराउंड बजट है 22 में अगर बेसिक गेमिंग और एडिटिंग के लिए जिसको पीसी बनाना है उसके लिए हम लोगों ने ये स्पेक्स कॉन्फ़िगरेशन किया है, जिसमें आपका प्रोसेसर आता है राइजन 5 4600G 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में आपका प्रोसेसर आने वाला है। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है ये यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A520M मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो राइजन 5 4600G आपको प्राइस वाइज बैठेगा 9400 का और मदरबोर्ड आएगा 4800 का। इसमें जो हमने रैम यूज़ की है XPG की तरफ से आने वाली D30 8GB DDR4 3200MHz की CL16 की रैम यूज़ की है इसके अंदर, जो कि आपको प्राइसिंग वाइज बैठेगा 1500 का। 512GB का NVMe SSD यूज़ किया है XPG की तरफ से आने वाला SX6000 Pro, जिसका अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो 2000 उसकी प्राइस बैठेगी। कैबिनेट जो हमने इसमें यूज़ किया है 4 फैन का ATX कैबिनेट यूज़ किया है, 110 एयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 2500 के अंदर, बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। और जिसमें हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है 450V का गीगाबाइट का 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज़ किया है। इस अगर पूरे पीसी बिल की मैं बात करूँ तो ये आपको 22000 में बन जाएगा। सो गाइस, जैसे कि हमने बात किया पिछले वीडियो में बजट पीसी के बारे में, जिसका बजट 20 से 22 हज़ार है, उसके बारे में बात किया। तो अभी अगर आपका बजट 38 to 40 के बीच में है तो उसके लिए भी हमने एक पीसी बिल बनाया आपके लिए, कस्टमाइज पीसी बिल, जिसमें हमने प्रोसेसर यूज़ किया है राइजन की तरफ से आने वाला 5600X प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में ये प्रोसेसर आता है। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है B450 Pro 4 Asrock की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड है 4 रैम स्लॉट के साथ में। इसमें जो हमने रैम यूज़ किया है फिलहाल अभी बजट में बैठाने के लिए 8GB रैम यूज़ की है, 3200MHz की D30 CL16 की रैम यूज़ की है, SX6000 Pro 512GB की SSD यूज़ की है, 1650GB की तरफ से आने वाला 1650 ग्राफिक यूज़ किया है 4GB का एंड 550V का पावर सप्लाई यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला। और केस हमने वही रखा है एंड स्पोर्ट्स का 110, बहुत प्यारा केस है जैसे मैंने बोला 2500 के रेंज में। अभी ये मैंने 40000 के अंदर मेरे हिसाब से मैंने कंपोनेंट्स डाले हैं, इसमें अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन दोनों अवेलेबल है। आपको अगर प्रोसेसर अपग्रेड करना है डिग्रेड करना है हो जाएगा, मदरबोर्ड अपग्रेड डिग्रेड करना है हो जाएगा, मतलब सब चीज़ कैबिनेट से लेके हर एक चीज़ अगर आपको अपग्रेड करनी है डिग्रेड करनी है इसमें हो जाएगा। और इसमें जो हमने बजट रखा है ये पीसी बिल का वो है 40000। सो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया 22000 और 40000 के बजट गेमिंग पीसी के बारे में, तो ये वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं लाइक किसका बजट 65 to 60 है तो उसमें क्या क्या आपको सामान मिल सकता है मेरे एंड से बेस्ट। तो इसमें हमने प्रोसेसर जो यूज़ किया है राइजन 7 का 5700X प्रोसेसर यूज़ किया है, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है ज़्यादा वो है गीगाबाइट का B550MDS3HAC मदरबोर्ड यूज़ किया है इसमें हमने। और रैम जो यूज़ किया है डुअल स्टिक 8GB की XPG की तरफ से आने वाली D30 3200MHz की रैम यूज़ किया है, DDR4 8x2 16GB रैम यूज़ की है, SX6000 Pro 512GB की NVMe SSD यूज़ की है। इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है 3060 12GB गैलेक्सी की तरफ से आने वाला उसी एडिशन ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। इसमें जो हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है डिपकूल की तरफ से आने वाला PF650 पावर सप्लाई यूज़ किया है, लिक्विड कूलर जो हमने इसमें यूज़ किया है एंड स्पोर्ट्स का IS240 ARGB लिक्विड कूलर यूज़ किया है, और केस वही एस 110 एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला केस यूज़ किया है 2500 में, पहले भी मैंने बोला बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अभी बहुत से जन बोलेंगे कि भाई केस इसमें अपन बैटर लगा सकते थे, तो भाई ये मैंने एकदम आपके बजट में जो बैठ सकता है उसके हिसाब से मैंने केस यूज़ किया है। केस एज पर चॉइस है, आप आ जाओ कोई भी, आप अगर कोई मॉडल देखा है स्पेसिफिक आपको मॉडल चाहिए तो केस का मॉडल नंबर लेके आ जाओ, वो हम बिठा के दे देंगे। और इसका अगर बजट की मैं बात करूँ तो ये बजट आपको जाएगा 63500 के अराउंड। पिछले वीडियो में बात किया 3 PC बजट पीसी बिल्स के बारे में, 22 से लेके 40, 40 से लेके 65, तो ये वीडियो में बात करने वाले हैं 1 lakh 22 1 lakh 25 इसका अगर बजट है तो उसमें हम क्या क्या कंपोनेंट्स आपको बेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो हमने मशीन बनाया है फुल हाई एंड मशीन है 4K एडिटिंग के लिए, या फिर आपको कोई भी एनिमेशन करना है, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर रन करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी मशीन है, जिसमें प्रोसेसर हमने यूज़ किया है इंटेल का i7 13700K जो कि 16 कोर 24 थ्रेड के साथ में प्रोसेसर आता है, ये रेंज में बहुत बेस्ट प्रोसेसर है ये। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है Z790UD मदरबोर्ड यूज़ किया है, ये अभी आप कोई बोलोगे कि इसमें वाईफाई वाला ऑप्शन भी ले सकते थे Z790UDAX, बट ये हमने कैसा है बजट के अंदर बिठाने के लिए ऐसा यूडी मदरबोर्ड यूज़ किया है, वो अगर आपको UDAX चाहिए तो जो भी उसका एक्स्ट्रा रहेगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है पीके का 750D पावर सप्लाई यूज़ किया है, डिपकूल की तरफ से आने वाला 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। इसमें जो हमने रैम यूज़ की है किंगस्टन फ्यूरी की 32GB 5200MHz DDR5 की रैम यूज़ की है, इसमें 32GB की सिंगल स्टिक भी मिल जाएगी और 16 16 की अगर आपको किसको डुअल स्टिक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसमें जो हमने SSD की हुई
हुए SX 6000 Pro 1TB के SSD यूज़ किए। अगर इसमें आपको 1TB में ऑप्शन अच्छे अच्छे चाहिए, लाइक अगर सैमसंग का 980 ऑप्शन चाहिए या S70 ब्लेड चाहिए, वो सब ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, आप आ जाओ। ये हमने हमारे एंड से मतलब जो भी आपको बजट में बिठाने का कोशिश किया हमने, ये इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गैलेक्सी का 4060 Ti ग्राफिक कार्ड यूज़ किया, और दूसरा ग्राफिक कार्ड लिया हमने 3060 Ti, दोनों डुअल फैन OC एडिशन के ग्राफिक कार्ड है। इसमें जो हमने लिक्विड कूलर यूज़ किया है, डीपकूल की तरफ से आने वाला गेमएक्स L240 ARGB लिक्विड कूलर है, और केस वही एंड स्पोर्ट्स का, ये वाला नहीं किया है हमने यूज। इसमें एंड स्पोर्ट्स का आपको 510 मिल जाएगा, 510 R, और मतलब केस में ये हमने डिस्प्ले के लिए रखा है, केस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप आ जाओ एज पर चॉइस। केस का आप कोई भी मॉडल नंबर लेके आओगे वो हम करवा देंगे। और अगर मैं बात करूँ 510 केस के साथ में अगर PC बिल्ड के बारे में, तो अगर आप 4060 Ti के साथ में जाओगे तो आपका बजट लाइक जाएगा 1,23,000 के अराउंड जाएगा, एंड इफ 3060 Ti के साथ जाते हो तो आपका बजट लेके जाएगा ये 1,14,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और आपने शॉप में एसेसरीज में क्या क्या है सर? जैसे कि देखो अभी हमारे शॉप में एंट्री लेवल डेस्कटॉप से लेके हाई एंड डेस्कटॉप से भी मिल जाएंगे, एंट्री लेवल लैपटॉप से लेके हाई एंड लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे, एंड एक्सेसरीज में सभी एक्सेसरीज मेरे पास अवेलेबल है। मतलब आईटी फील्ड में जितनी भी एक्सेसरीज लगती है हर एक मेरे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड माउस है, गेमिंग कीबोर्ड माउस है, एंट्री लेवल कीबोर्ड माउस है, लगे हेडफोन्स है, एंट्री लेवल हेडफोन्स है, गेमिंग हेडफोन्स है, गेमिंग कीबोर्ड माउस है, मैकेनिकल मेम्ब्रेन्स सब कीबोर्ड माउस अवेलेबल है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरे मदरबोर्ड के स्टॉक्स है हमारे पास, इंटेल के, AMD के जितने भी मदरबोर्ड है सब स्टॉक है। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड स्टॉक है, ऊपर भी ग्राफिक कार्ड स्टॉक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लिक्विड कूलर्स, लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी लिक्विड कूलर्स है वो भी अवेलेबल है हमारे पास में, यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, रेडियम के ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, यहाँ पर हाई एंड मदरबोर्ड अवेलेबल है, यहाँ पर राइजन के CPU अवेलेबल है, इंटेल के CPU अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लैपटॉप भी अवेलेबल है। ये i9 जनरेशन है, ये एक्चुअली सर अभी डिसकंटिन्यू हो गया सीरीज, अभी इसके अंदर अपग्रेडेड सीरीज आ गया i9 13900K। जैसे हमने वो वीडियो बनाया i7 13700K के बारे में, वैसा i9 13900K आएगा। अगर उसका मैं आपको प्रोसेसर का प्राइस बोलूँ तो वो खाली प्रोसेसर जाता है अपने को 51,500 और इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके ऊपर भी अभी इन फ्यूचर आने वाली वीडियो, इसके ऊपर भी हाई एंड जो है लाइक अराउंड जिसका बजट है 2 lakh 2 lakh 50, जिसका भी बजट 2 के ऊपर है 2 तक भी है, उसके भी भाई के चैनल पे वीडियो आने वाली है। और बहुत जल्द लैपटॉप की भी वीडियोस आने वाली है, जैसे एंट्री लेवल लैपटॉप हो गए, बेसिक लैपटॉप्स हो गए, गेमिंग लैपटॉप्स हो गए। अभी ये भी जो बेसिक कैबिनेट्स की भी हमने जो इसकी CPUs के बारे में बात की है, इसमें भी मैंने खाली 3-4 ऑप्शंस दिए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आगे भी इन फ्यूचर वीडियो आती रहेगी इसके ऊपर बारे में। थैंक यू भाई। ओके गाइस, आपने सुना रहेगा बाय का जो जितना है ना सर, गाइस आपके लिए ये सब इतना सब बाय ने टाइम लेके अपने लिए बताया, और इनके पास आइए, रेट है ना गाइस, बेफिक्र रहिए, हम लोग भी घुमा आपको सब बिल दिखाया मैंने, कितना 3-4 जगह पे घुमा, फिर बाय के पास हम लोग आए, और जेन्यून है भाई। आपको क्या चाहिए अभी, हम लोगों ने बिल्ड करने के लिए PC आए थे, लेकिन आपको ये ले ये करके वो सजेशन भी करते, और वो कौन देगा वो यहाँ पे मिलता है। तो ये वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर करना, कैसे पसंद ही रहेगा आपको, और भाई के चैनल पे से अगर कोई भी आया भाई का नाम लेकिन उसके लिए कोई भी आप एंट्री लेवल डेस्कटॉप लो या गेमिंग डेस्कटॉप लो, उसमें कीबोर्ड माउस हम लोग फ्री देंगे, गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री दे देंगे। ओके गाइस, तो ये भी आपको एक फ्री चीज़ भी मिल रही है। और गाइस मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, बहुत जन पूछ रहे थे जो आपका जो प्रोफेशनल है उसके बारे में बताया करेंगे, यही मेरा प्रोफेशनल है, और मैं इससे भी आप सजेशन ले सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दे दूंगा, और मैं इससे भी कॉन्फिगरेशन, और इनके पास आप मेरा नाम बोल के जाइए, मैं बहुत सालों से भी इनसे ले रहा हूँ, तो आपको भी मेरा नाम से जाएंगे, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, और कुछ नहीं गाइस, असेंबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सब किट करके दे देंगे आपको, पूरा मशीन उठा के लगे जाएगा, आपको फिटिंग करने का रहेगा। ओके गाइस, वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करना, बोला सब्सक्राइब करना, और अच्छा वीडियो मिलता है, तब तक आपसे जरूर आपका माइस, बाय बाय।